दोस्तों स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल उस ब्लॉग चैनल में। आज हम बताएंगे, आज ये कंपनी है जहाँ मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, तो उसमें ये बताया है कि ये इसका सेक्टर है, नोएडा सेक्टर 63 में कंपनी है। इस कंपनी के बाहर में बैठी हूँ पिछले एक घंटे से, अभी तक कोई कुछ नहीं आया। कॉल किया 4 को, उन्होंने बोला 9:30 बजे तक आना, तो अभी हम कॉल ही कर रहे हैं, बट एटलीस्ट कॉल करके उठा के बोल तो देना चाहिए ना। और देखते हैं अभी क्या होता है, पता लगेगा कंपनी क्या है कैसी है। हेलो दोस्तों, अब हम ऊपर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, देखते हैं अब क्या होने वाला था। एक चार हमारी अब सेकंड फ्लोर पे जाके देखते हैं, सेकंड फ्लोर पे क्या है ये देखते हैं। हम जब जा रहे हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे, यस आईटी लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है ये देखिए। अब मैं थोड़ा कैमरा बदल रही हूँ, आगे देखिए। ये कंपनी है, ये साइड की लैब्स ये देखिए, ये जीना है। हम जा तो रहे हैं, सर ये साइड की लैब किधर है? अब हम पहुँच रहे, खुला नहीं है। यहाँ पे एक और भी तो कंपनी थी भैया, जो शायद टाइपिंग का काम होता था यहाँ पे। वो कंपनी मैंने बहुत सारे हैं यहाँ पे। कितने हरी कंपनी है, मतलब यहाँ पे 70 एक कंपनी है। 70 यहाँ पे कितने फ्लोर है? दो फ्लोर है, तो सारे। और एक फ्लोर पे कितनी कंपनी है? 40 एक मैच के। आज इंटरव्यू हो गया आपका? हाँ, बट एचआर कॉल नहीं उठा रही। तो टाइमिंग तो 10 बजे है ना। कहाँ? इधर। अच्छा इधर गली में, ठीक। ऊपर भी एक होगी कंपनी, कैंटीन है। देखो वो सामने लग रहा है ना, अगर उसमें 2-3 नंबर है आपकी कंपनी। यहाँ पे देखिए बोर्ड लग रहा है इंटरव्यू के लिए, देखते हैं अब क्या होने वाला है। चलिए जब तक आपको और कंपनियाँ घुमाते हैं ऑफिस। ये कंपनी है, एक ये कंपनी है, एक ये है, ठीक है। ये कंपनी S16 आपने देखी तो होगी, एक कंपनी और ये रही। यहाँ पे भी कुछ और कंपनियाँ, लेकिन बोर्ड नहीं लगे। आजकल बोर्ड ही ऐसा लग रहा है गायब हो गए हैं बोर्ड सारे। मैं स्लो स्ली भूलूँ जिससे कोई सुने ना। ये भी देखिए सबके छोटी छोटी कंपनियाँ, यहाँ सब लोग ने छोटी छोटी कंपनियाँ खोल रखी हैं। सॉरी मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है। और भी कंपनियाँ हैं, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा जाने वाला है तो हम इसको part 2 में लेके आएंगे। ये देखिए गेरे कोई, सारी कंपनियाँ बंद पड़ी हैं। इन सबका सैलरी पता है कितना जाता है अमाउंट? 50,000, 60,000 एक उसका। ये भी सब डब्बे वाली कंपनियाँ हैं, सब साले डब्बा खोल के बैठाते हैं, उनको तो बंद हो जाना। एक ये देखिए, ये देखिए, ये भी एक और कंपनी है। आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग चैनल में मैं बोल रही हूँ। ये देखिए, ये भी है, ये क्या है, ट्राई कर। यहाँ पे देखिए जीना आ जाता है, ये बाहर जाने का रास्ता है। अभी हम जाते हैं अपनी वाली कंपनी साइड जहाँ हमें अब इंटरव्यू देना है।
अब मैं इस कंपनी में जो है कॉल करने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर लिखे हैं कुछ। देख रहे हो आप, यहाँ पे नंबर लिखा है कुछ। आई नहीं है तो हो नहीं, मैं नीचे जानी है तो 10 बजे तक कहेंगे। अब देखते हैं 10 बजे तक पता नहीं क्या होने वाला है, तो और ऊपर से अभी देखा जाएगा। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कब आएगी अचानक, सर को भी कॉल करते हैं। काम करने से अच्छा है मरा जाना बेटर होगा, क्योंकि कंपनी में सब डब्बे ऐसी आपको दिखाई थी ना, मैंने बिल्कुल खोल खोल के बैठ जाते हैं, कुछ तो पता नहीं होता इन सबको। देखा कैसे लोग हैं यहाँ के, सब घटिया लोग, भगवान पता नहीं कैसी कंपनी खोल के बैठे हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं अंदर, देखिए एक महीने पुरानी खबर है। अच्छा, बच्चे डर गए तो 40,000 रुपये घर से निकाल लिए। मेन रोड के लिए आए हो? सैटरडे भी था ना, सैटरडे चल रहे थे। अच्छा, क्या कौन कौन से राउंड हुआ था? घर पे आ गए, नहा धो ली, सुबह उठ के चेंज कर ली। कल हम जब रहा था इतनी बुरी बारिश हो रही थी और ट्रैफिक तो इतना था, 4:30 से 5:30 बज गए थे। 4:30 वाले हम निकले थे, वहाँ इंटरव्यू दिए, लोग कॉल करके बुला सकते थे, फालतू का टाइम वेस्ट करने वाले। अच्छा ऐसे हम बस पकड़ के 4:30 पे, और फिर ये हुआ हम घर आए रात के 11 बजे। अब कॉल ये होता ना, ये टेंशन सफर का, हमने कॉल वॉल करी, बस हम आ गए। फिर बस रात को सो गए, मगर खाने ऐसे लग रहा है कल पूरे दिन भूख ही रहे, पूरा भूखा रहे, और ना व्रत था, ऐसा लग रहा है व्रत था हमारा, ना कुछ खा पा रहे थे ना कुछ हो पा रहे थे। तो यही हमारी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करो।